तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सरकारी एम्बुलेंस चलाने के लिए कौन से ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपके पास कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिससे जो है आप एम्बुलेंस चला सको। तो आज हम इसमें जो है एम्बुलेंस के प्रकार आपको बताएंगे, यानी कि एम्बुलेंस चलाने के लिए कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस काम आएगा आपके, यानी DL के, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के आपको प्रकार बताएंगे कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस किस काम आता है। क्योंकि दोस्तों सभी के पास जो अलग अलग DL होता है, फिर भी वो जो है एम्बुलेंस ड्राइवर बनना चाहते तो क्या वो पाएंगी या नहीं, सारी जानकारी हम आपको देंगे। ओके, तो आइए एक एक करके हम जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। सबसे पहले होता है आपका परमानेंट लाइसेंस, ओके, और फिर होता है कमर्शियल लाइसेंस दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे होता है इंटरनेशनल परमिट, ओके, और इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, इन तीनों में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं, थोड़ा सा हम लर्निंग लाइसेंस के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति पहली बार लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट से गुजरना होता है जिसमें ट्रैफिक के नियम संबंधी सवाल पूछे जाते हैं। एक सामान्य फीस जमा करने के बाद इसे प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि इस लाइसेंस की अवधि केवल 6 माह तक होती है और लर्नर लाइसेंस बनने के 1 महीने बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है एम्बुलेंस के लिए तो सबसे पहले आपको लर्निंग टेस्ट देना होगा, यानी लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा। अब आइए हम मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट लाइसेंस के बारे में कि क्या होता है। ये सबसे अधिक उपयोग होने वाला लाइसेंस है। लर्निंग लाइसेंस के 1 महीने के बाद इसके लिए आवेदन किया जा सकता है, जिसके बाद आप RTO की ओर से एक तारीख लेकर लर्निंग टेस्ट दे सकते हैं। यदि आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ये परमानेंट लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। ओके, इसमें दोस्तों अब बात आती है कि हम क्या चला सकते हैं क्या नहीं, तो वो आता है आपका कमर्शियल लाइसेंस में। देखिए, कमर्शियल लाइसेंस व्यावसायिक वाहनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें बस, ट्रक, ऑटो व अन्य वाहन शामिल होते हैं। इसमें भी 3 कैटेगरी होती है, जो कि भारी, मध्यम और हल्के वाहन है। इसके लिए अलग से आवेदन करना होता है। ओके, और तीसरे नंबर पे आता है इंटरनेशनल परमिट। ओके, ये परमिट विदेशों में गाड़ी चलाने के लिए जारी किया जाता है। इसके लिए आपके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, जिसके बाद ही इसके लिए आप आवेदन किया जा सकता है। इस परमिट की अवधि 1 साल के लिए होती है। देखिए दोस्तों, यानी कि अगर आपको एम्बुलेंस के लिए चाहिए तो इसमें से जब आपका लर्निंग लाइसेंस आ जाएगा तो जहाँ से भी आप अप्लाई करवाओगे तो वहाँ पर ये जरूर मेंशन करवा दीजिएगा फोर व्हीलर के लिए आप बनवा रहे हैं। ओके, तो इसमें आपका ये कैटेगरी आ जाएगा। ओके, यानी कि आप ऐसे जो एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो ऐसे आप बनवा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।